जैसा कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है, लेकिन हम जो है वो डेसिमल नंबर जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कैसे करें, या बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कैसे करें। सो लेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द पीसी लर्नर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में। बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो होता है 2, क्योंकि इसमें दो ही नंबर्स होते हैं, 0 एंड 1। लेकिन जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका बेस होता है 10, क्योंकि उसमें जो नंबर होते हैं वो होते हैं 0 to 9, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें। तो सपोज हम कोई नंबर लेते हैं 56। 56 को जब हम डिनोट करेंगे तो वो कुछ ऐसे करेंगे, 56 जो है वो ब्रैकेट्स में आएगा और नीचे जो है उसकी वो जो बेस है वो आएगा। तो एक रूल है कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में चेंज करना है तो वो 2 से डिवाइड होता है। होगा लव तो नहीं करनी पड़ेगी फाइट। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है 2 से डिवाइड। तो सबसे पहले जो है हम 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, या आप एलसीएम भी कह सकते हैं इसको। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 28 मिलेगा। उसके बाद जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो 0, क्योंकि 28 2 से 56। उसके बाद हम 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 14, और रिमाइंडर अगेन मिलेगा 0। उसके बाद हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 7 एंड रिमाइंडर मिलेगा 0। उसके बाद हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 3, लेकिन इस बार रिमाइंडर जो है वो मिलेगा हमें 1। फिर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 1 एंड रिमाइंडर मिलेगा 1। तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर चेक करने हैं सारे, और रिमाइंडर को जो है नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चेक करना है, फ्रॉम बॉटम टू अप। तो इसको भी याद रखने के लिए आसान फॉर्मूला है कि कुछ फिल्में होती हैं हिट, कुछ होती हैं सुपर डुपर। यू हैव टू चेक नंबर फ्रॉम नीचे टू ऊपर, यानी आपको नीचे से ऊपर की तरफ नंबर चेक करना है, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो हमेशा इस नंबर से करनी है। तो अगर हम 56 की बाइनरी डिजिट देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 111 एंड 000। नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर आपको लिख देने हैं। लेकिन ये डिनोट कैसे होगा, ये डिनोट होगा कुछ इस प्रकार, 111 एंड 000 ब्रैकेट में आएंगे और जो बेस है उसका वो आएगा यहाँ पे एंड में नीचे 2। तो अब हम बात करते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज कैसे करें। तो सपोज हमने कोई नंबर लिया, वही नंबर ले लिया हमने, आपको पता है इसको डिनोट कैसे करना है, 111 000 ब्रैकेट में और 2 जो है वो उसका बेस। तो अब जो है हमें ये नंबर जो है वो पीछे की तरफ से आगे की तरफ चेक करने हैं। तो जो सबसे पहला नंबर है पीछे वो है 0, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और 2 की पावर लगानी है 0। उसके बाद क्या करना है, हमें करना है ऐड, प्लस करना है। उसके बाद सेकेंड नंबर लेना है, वो भी जो है वो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई 2 और 2 की पावर को बढ़ा देना है, फिर वापस प्लस लेना है। फिर उसके बाद जो नंबर लेना है वो क्या है, वो भी 0 ही है, तो हमें नंबर लेना है 0, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर बढ़ा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेना है 1, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर बढ़ा देनी है। फिर नेक्स्ट नंबर लेना है 1, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर अगेन बढ़ा देनी है। और एक और बार फिर नंबर लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 की जो पावर है वो बढ़ा देनी है। सो देखिए, आपको जो वो नंबर है वो लास्ट से लेना है और आगे की तरफ जाना है और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर हर बार बढ़ानी है। तो इसको याद रखने के लिए भी एक आप कह सकते हैं कि ट्रिक है, वो एक राइम है कि ऐसे आप याद कर सकते हैं कि बच्चे पढ़े ना पढ़े टीचर पढ़ाएंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से और 2 की पावर बढ़ाएंगे। तो जब आप ये 2 की पावर बढ़ा देंगे और बीच में ऐड का साइन भी लगाना है उन सब में, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 32, 2 की पावर 5 अगर आप करते हैं तो 32 होता है वो। उसके बाद प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करना है। और लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं वो है 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। किसी भी नंबर
कि अगर पावर 0 है तो उसका सोल्यूशन जो है वो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो डेसिमल नंबर उसका मिल जाएगा। फिर डेसिमल नंबर ये जो है ये बाइनरी नंबर है, और आपको पता है कि बाइनरी ऐसे डिनोट करते हैं। और उसके बाद जो 56 है जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको ऐसे डिनोट करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस।